नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिथुन लगन में गुरु 12 भावों में क्या क्या फल देगा इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। मिथुन लगन में गुरु 7th हाउस और 10th हाउस का स्वामी होता है। मिथुन लगन में गुरु मार्केश भी है और बाधकेश भी है, बाधक ग्रह है। मिथुन लगन में गुरु अकारक ग्रह होता है। केंद्र के दो भावों का स्वामी होने के कारण गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगता है। मिथुन लगन में गुरु पहले भाव में मिथुन राशि में होता है। लगन में गुरु दिग्बली होता है तथा 125,000 दोष माफ करता है। जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, स्वाभिमानी होता है, एम्बिशियस बहुत होता है, समाज में मान सम्मान अधिक प्राप्त करता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, संतान सुख भी प्राप्त करता है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। जातक का विवाह उच्च कुल में होता है। मिथुन लगन में गुरु सेकंड हाउस में अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में होता है। जातक सुंदर, गुणवान, तीव्र बुद्धि वाला होता है। जातक मधुरभाषी होता है, व्यवहार कुशल होता है, परोपकारी होता है, सात्विक बुद्धि वाला होता है। ज्योतिष में विशेष रुचि होती है। जातक धनवान होता है, संतान सुख भी प्राप्त करता है, परिवार के सदस्यों से अच्छा सहयोग मिलता है। जातक व्यवसाय में भी उन्नति करता है, धन लाभ भी कमाता है। मिथुन लगन में गुरु थर्ड हाउस में सिंह राशि में होता है। जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, एजुकेशन अच्छी होती है, अपनी बुद्धिमता से, अपने ज्ञान से धन प्राप्त करता है, भाइयों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है और विवाह के बाद भाग्य में उन्नति होती है, विदेश यात्राएं भी बहुत करता है। मिथुन लगन में गुरु फोर्थ हाउस में कन्या राशि में होता है। जातक को भूमि, मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता है, माता से अच्छे संबंध होते हैं, प्रोफेशन में पिता का, बड़े भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है। जातक को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमता से जातक को व्यवसाय में उन्नति होती है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। मिथुन लगन में फिफ्थ हाउस में गुरु तुला राशि में होता है। जातक वेल एजुकेटेड होता है, उच्च शिक्षित होता है, शिक्षा बहुत अच्छी होती है। जातक बुद्धिमान, गुणवान, स्वाभिमानी होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। जातक की रुचि मंत्र एवं साहित्य में अधिक होती है, संतान सुख भी प्राप्त होता है, संतान भी बहुत बुद्धिमान एजुकेटेड होती है। जातक अपनी शिक्षा व बुद्धिमता से धन लाभ कमाता है। मिथुन लगन में गुरु सिक्स हाउस में वृश्चिक राशि में होता है। जातक के वैवाहिक जीवन में कलह कलेश रहता है, पत्नी रोगी होती है, जातक को गृहस्थ सुख प्राप्त करने में बहुत रुकावटें आती हैं। यदि अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव, पाप ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव या गुरु पर हो तो तलाक की संभावना भी बढ़ जाती है, धन की हानि होती है, पेट से संबंधित रोग होते हैं, जातक के शत्रु भी अधिक होते हैं, व्यवसाय नौकरी में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, धन लाभ भी कम होता है। मिथुन लगन में गुरु सेवंथ हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में होता है। यह पंच महापुरुष योग भी है, मेरे लिए बहुत अच्छी होती है, जीवन साथी ज्ञानी बुद्धिमान होता है, मैच्योरिटी लेवल अधिक होता है। जीवन साथी और जातक दोनों न्यायप्रिय होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, व्यवसाय में बहुत सफल होते हैं, धनवान भी होते हैं, बिजनेस में, पार्टनरशिप में सक्सेसफुल होते हैं। मिथुन लगन में गुरु
एट्थ हाउस में अपनी नीच राशि मकर राशि में होता है, जातक की पत्नी रोगी होती है, वैवाहिक जीवन में कलह कलेश रहता है। यदि सप्तम भाव या एट्थ हाउस में बैठे गुरु पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो तलाक की संभावना बढ़ जाती है, नौकरी में व्यवसाय में परेशानी रहती है, व्यवसाय नौकरी बार बार बदलनी पड़ती है, बहुत मेहनत करने के बाद भी अधिक धन लाभ नहीं होता है, संतान सुख में भी कमी रहती है, इनक्यूरेबल असाध्य रोग हो जाते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते। मिथुन लग्न में गुरु नाइन्थ हाउस में कुंभ राशि में होता है, जातक परोपकारी दयालु दानी होता है, पिता से भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, संतान सुख भी बहुत प्राप्त होता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, जातक बुद्धिमान विद्वान होता है, जातक का भाग्य उदय विवाह के बाद होता है, जातक धार्मिक होता है, यात्राएं बहुत करता है, जातक धनवान होता है, व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। मिथुन लग्न में गुरु टेंथ हाउस में अपनी शुभ राशि मीन राशि में होता है, यह पंच महापुरुष योग है, जातक बुद्धिमान विद्वान प्रसिद्ध होता है, समाज में मान सम्मान बहुत अधिक होता है, राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त करता है, मंत्री पद भी प्राप्त कर सकता है, जातक नौकरी व्यवसाय में बहुत उन्नति करता है, धनवान बहुत होता है, जातक को भूमि संपत्ति वाहन का सुख बहुत प्राप्त होता है, माता से पिता से बड़े भाइयों से सरकार से भी बहुत लाभ प्राप्त करता है, राजनीति में उच्च पद या मंत्री पद प्राप्त कर सकता है। मिथुन राशि में गुरु इलेवेंथ हाउस में मेष राशि में होता है, जातक को बड़े भाइयों से जीवन साथी से बहुत लाभ मिलता है, नौकरी में व्यवसाय में उन्नति करता है, धन लाभ भी बहुत होता है, जातक बहुत धनवान होता है, बड़े भाइयों के सहयोग से व्यवसाय में वृद्धि करता है, सरकार से भी लाभ मिलता है, अच्छा सलाहकार होता है, मंत्री पद प्राप्त कर सकता है। मिथुन लग्न में गुरु ट्वेल्थ हाउस में वृष राशि में होता है, जातक की मैरिड लाइफ खराब रहती है, नौकरी व्यवसाय में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, बार बार व्यवसाय बदलना पड़ता है, धन हानि होती है, यदि जातक का विदेशों से विदेशियों से संबंध हो तो धन लाभ होता है, बड़े भाइयों से संबंध खराब रहते हैं, जातक को कोई बड़ा रोग भी हो सकता है, व्यर्थ की यात्राएं बहुत करता है, सरकार से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक कार्यों पर परोपकार के कार्यों पर धन का खर्च करता है। नमस्कार।